प्रीत जी और इनसे जानते हैं ये पौधे ला रखे हैं इन्होंने, ये क्या आयोजन है और इसका क्या महत्व है, किस तरीके से आप इसको दिवस को बना रहे हैं? डेरा बाबा कमल देव ट्रस्ट संगरिया द्वारा पिछले 2 वर्ष से पर्यावरण को और संगरिया शहर को हरा भरा करने के लिए गांव गांव में पौधे लगाए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज निर्जला एकादशी पर यह विचार किया गया कि अपन भी एक तुलसी और रात की रानी के पौधों का एक छबील लगाए और उसी के तहत ये छबील लगाई गई है। लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि संगरिया शहर को हरा भरा करने के लिए आप इस पुण्य के एक भाग काम में जुड़े और इस पूरे संगरिया शहर को हरा भरा करें। इस वर्ष हमारा टारगेट है कि हम संगरिया तहसील में 5000 पौधे लगा करके इस पूरे संगरिया उपखंड को हरा भरा करेंगे। कमल देव ट्रस्ट की तरफ से खड्डा खोदने की मशीन, पानी का टैंकर और एक ट्रैक्टर जो है हर प्रकार से सेवाओं के लिए उपलब्ध है। जो कोई भी अपने संस्थान में, अपने स्कूल में, शमशान भूमि में लगाना चाहे वे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम निशुल्क सेवाएं प्रदान करेंगे। गत वर्ष जो आपने पेड़ पौधे लगाए उनकी क्या स्थिति है? हमारे अब जो दो हम देख रहे हैं उनमें 60-70% जो पौधे हैं वो हरे भरे हैं। हमने मालारामपुरा, भाखरावाली, दीनगढ़, हरिपुरा आदि गाँवों में, नगराना, इन गाँवों में जो पौधे लगाए थे उनमें 60-70% पौधे अभी जीवित है और सब लोग उनको संभाल रहे हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है।